हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज मैं आपको ब्लाउज़ में आसान तरीके से बटन होल्स कैसे बनाए जाते हैं ये बताने जा रही हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने अपने ब्लाउज़ पीस को तैयार कर लिया है, ठीक है। ये मेरी ऊपर की पट्टी है जिसमें मैं बटन के होल्स बनाऊँगी, और ये मेरी नीचे की पट्टी है जिसमें मैं बटन लगाऊँगी, ठीक है। तो बटन होल्स बनाने के लिए पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी ये जो पट्टी है इसकी लेंथ कितनी है। तो मेरी ये 9.5 है, ठीक है। तो मैं 7 बटन होल्स बनाऊंगी, ठीक है। 7 बटन होल्स बनाने के लिए मुझे 1.5 इंच के गैप पर, ठीक है, 1.5 इंच के गैप पर अपने बटन होल्स का मार्क करना है, ओके। तो पहला मार्क जो है मैं अपना ये यहाँ लगाऊंगी, जो मेरी ये पट्टी है, इस पट्टी से हल्का सा नीचे मैं करूँगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप बटन के होल्स के लिए मार्क करेंगे ये आपका इक्वल होना चाहिए, कि स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, अदरवाइज़ बटन होल्स टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मार्क मैंने अपना यहाँ पर किया, ओके। तो अब मैं ऊपर से, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया यहाँ पर, यहाँ से मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी, ठीक है। ये एक मेरा 1.5 इंच पर यहाँ मार्क हो गया, ठीक है। दूसरा मेरा 1.5 इंच पर डाउन हो गया। ऐसे 1.5 इंच का गैप लेते हुए हमें मार्क करना है, ठीक है। 1.5 इंच का गैप लिया हमने और ये मार्क करते गए, ओके। एंड लास्ट ये मेरा 1.5 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। ऑलराइट, तो ये मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होल्स के मार्क हो गए। ये आपको एकदम इक्वल लाइन पर ही करना है, ओके। तो आप अपने स्केल को इस तरीके से रख लीजिए और ये मार्क आपके एकदम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें कट लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस मार्क पर कट करें तो आपको ज़्यादा कट नहीं मारना है, हल्का सा कट मारना है, ओके। तो मैं अभी अपने इसको पीस को इस तरीके से उठाऊंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट मार्क है। अब मैं इसको इस तरीके से इक्वल करूँगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये जो हमारा पीस है, ठीक है, ये जो लाइन हमारी जा रही है, इसको यहाँ से पहले इक्वल मिलाया, ठीक है। और ये देखिए, ये मेरा ये मार्क दिख रहा है आपको, ठीक है। यहीं से मैंने हल्का सा स्लिट मारना है, ठीक है। मैं इस तरीके से रखूँगी एंड यहाँ पे सीजर से इस तरीके से हल्का से एक स्लिट लगाऊंगी। ये जो ऊपर का होता है आपको थोड़ा ताकत के साथ करना पड़ता है, ओके। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक हल्का सा स्लिट होल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं ये हल्के हल्के स्लिट कर रही हूँ, फिर मैं इसे बटन से चेक करूँगी कि ये इसमें बटन मेरा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले मैं ऐसे ही सारे होल बना लूँगी, ठीक है। यहाँ से इक्वल मिलाना है आपको ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना कटे, ठीक है। देन ये आपका मार्क है, मार्क से हल्का सा स्लिट कीजिए। जो हमारा फर्स्ट और लास्ट होल का होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी फोल्डिंग पार्ट होता है सिलाई का, इसलिए यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये मेरा लास्ट का एचेस है, लास्ट वाले को हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे खड़े में लिया है, इसको हम ऐसे लेटे में करेंगे डाउन की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ब्लाउज़ पीस को ऐसे लीजिए, ठीक है। ये ब्लाउज़ पीस है पट्टी, ठीक है। ये मैंने सारे ऐसे खड़े में कट किए हैं, अब इसको मैं ऐसे इस तरह से कट करूँगी, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ओके। एंड कट इट, ओके, जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड ऑलराइट। कट हो गया है, थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ से भी करना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, सो
तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा होल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से मेरा होल हो गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, इसमें जो लाइनिंग पार्ट आपका आ रहा है इसको आप कट कर दीजिए। ओके, ये हमने होल्स बना लिए हैं। अब हम इसमें बटन इंसर्ट करके देखेंगे कि बटन हमारे इसमें इजीली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो मैं इसमें बटन से चेक करूँगी। अब हम ये देखिए, हमने ये होल्ड कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बस बटन इंसर्ट करके देखूँगी कि मेरा बटन इजीली इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट बटन होल है। ओके, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करके देखूँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये इजली मेरा बाहर आ गया। ठीक है, ये ना तो ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ होगा तो आपके बटन बहुत जल्दी खुल जाएंगे। ये ऐसा होना चाहिए कि आराम से जा सके और इजली बाहर आ सके। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अगर इन केस आपका ये टाइट होता है, अंदर नहीं जाता है, तो आप इसमें हल्का सा स्लिट ऊपर की तरफ कर दीजिए, चाहे नीचे से कट लगा दीजिए, थोड़ा हल्का सा कट मारिए, ये आपका लूज़ हो जाएगा। और अगर इन केस ज़्यादा कट जाता है तो आप जब इस पर काज करेंगे, ठीक है, तो काज करते वक्त आप वहाँ से टांके लगा दीजिए, तो ये आपका होल का स्पेस जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ये सारे ही जो मैंने कट्स लगाए हैं बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें आपको कैसे काज करेंगे वो सिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा होल है ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो मैं अपनी निडल को नीचे से ऊपर की तरफ लाऊंगी। ओके, इस तरीके से लाऊंगी एंड फिर से ऐसे नीचे से डालूंगी सुई को। ओके, और इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मेरे सुई। ठीक है, मेरी सुई ऊपर की तरफ आ गई। अब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगी, ऐसे इस तरफ से अपनी तरफ करूंगी। ठीक है, बाहर की साइड से अपनी तरफ इस तरफ लाऊंगी और इस तरीके से इसे ऊपर की तरफ खींचूंगी। ठीक है, इसमें दो तीन तरह के डिज़ाइन आप बना सकते हैं, तो मैं अभी आपको ये सिंपल तरीका बता रही हूँ। इसी तरीके से आप दोबारा नीचे से सुई को लाइए और ऐसे इस तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ लाइए और इसे फिर इस तरीके से घुमाइए। ठीक है, इस तरफ से लाइए और ऐसे ले जाइए, इसको होल्ड कर लीजिए, फिर नीचे से लाइए अपने इसको, होल से नीचे की तरफ लाइए और ये आपको एकदम इक्वल स्पेस करके चलना है। ठीक है, फिर धागे को अंदर की तरफ इस तरफ लाइए और ऊपर की तरफ सुई को ऐसे खींच दीजिए, ये आपका एक फ्लावर की तरह बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर आपको इसी तरीके से ये प्रोसेस करना है। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा प्रोसेस करते जाइए और ये आपका एक पूरा डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका ये बटन होल हो जाएगा तैयार। इसके लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे इजीली अपने घर पर ही कर सकते हैं। ये आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, आप मेथड समझिए। ठीक है, जब आप इसे अपने कपड़े पर बनाएंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा। इसी तरह से आप अपना ये पॉइंट लेकर बनाते जाइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये होल आपका बनकर आएगा। इसके लिए आपको कहीं किसी दूसरी मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बहुत ही इजीली हाथ से कर सकते हैं। ओके,
इसमें आप इसे दो तीन तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ, ठीक है। जैसे हम गांठ लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको लेना है, सुई को नीचे से इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये इस तरह से आपका एक फ्लावर लुक तैयार हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से होल बन के तैयार हो जाएगा। अब जब ये आपका ये पूरा स्टिच यहाँ तैयार हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसमें होल नज़र आ रहा है बिल्कुल एकदम, ठीक है, ये देखिए ये होल बनकर हमारा तैयार है, ठीक है। जब ये ऊपर से आएगा इसे नीचे से लेना है, ठीक है, और इसमें इसको बाइंड कर देंगे, ठीक है, गांठ लगा देंगे इसमें, और ये मेरा बटन होल तैयार है। इसी तरीके से आपको अपने सारे बटन होल्स तैयार करने हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो मैंने बटन होल बनाया है, ठीक है, बटन होल बनाया है, इसमें जो मेरा बटन है वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा होल एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं अपने सारे होल्स कंप्लीट कर लूँगी। ओके, ये 6 होल हमारे बनकर तैयार हैं, ठीक है। अब हम सातवें होल को बनाएंगे, अपने सबसे नीचे वाले होल को जो कि हमने डाउन पोजीशन में रखा हुआ है। कट इट। ना आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारे 6 के 6 होल तैयार कर लिए अपने बना के बटन के। ओके, इट लुक लाइक दिस। अभी मेरा लास्ट वाला है जो कि लाई पोजीशन में है, डाउन पोजीशन में। ओके, तो मैं इसके लिए यहाँ से अपनी सुई को इंसर्ट करूँगी, ठीक है। तरीका वही है जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही किया है, बस वो खड़े में था और ये लेटी पोजीशन में है। ऑलराइट, इस तरीके से धागे के बीच में से सुई को निकालना है और इसी तरीके से इसको ओवरऑल हमें पूरा स्टिच करना है, ठीक है। ये जितना दूर आप अपनी नीडल्स को रखेंगे उतना ही आपका ये फ्लावर का एरिया कवर होगा, तो जितना आपको चाहिए उतना ही रखें। डिस्टेंस भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा गैप चाहिए आपको, कम चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े को रखिए और इसी तरीके से पूरा बनाते जाइए। आप देख सकते हैं कि मेरे ये बटन होल बनकर तैयार हैं, ठीक है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आपको बटन कैसे लगाना है, ठीक है, बटन लगाना बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। पहले आप अपनी पट्टी को रखिए, ठीक है, जो नीचे पट्टी है उसके ऊपर इस तरीके से पट्टी को रखिए, ओके। और ये जो होल है हमारे, ठीक है, ये जो होल बने हुए हैं हमें इसमें क्या करना है, होल के अंदर इस तरीके से मार्क करना है अपना, ठीक है। तो ये हमारा मार्क नीचे की तरफ आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने सारे एकदम इक्वल करके, ठीक है, ये जो होल बने हुए इसी में इस तरीके से चौक का मार्क करते हुए जाऊंगी, ओके। और फिर इसी चौक के मार्क पर मुझे अपने बटन को लगाना है। इस तरीके से ये जो हमारा बटन लगेगा वो बिल्कुल एकदम इक्वल आएगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पूरे सातों के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों निशान मेरे ये आ गए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ओके। इस तरीके से ये आपके पट्टी बिल्कुल ऐसे ही आएगी जैसे मैंने ये मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब हम इस पर बटन लगाएंगे, अपने इन मार्क्स पे हमें बटन लगाना है, ठीक है।
ये मेरा बटन है। ओके, बटन को हम लेंगे, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। जो हमारा ये मार्क है उसी पे हमने अपने इसको रखना है, ठीक है। बटन को नीचे से सुई लाएंगे और होल में से इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये मैं स्टार की तरह निकाल रही हूँ इसको। आप इसे सीधे करके निकालिए, कैसे भी निकालिए, ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, उस तरीके से लाएंगे और ये एक मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से इसे दो तीन बार निकालिए और ये हमारा बटन पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे बटन लगाने हैं, ठीक है। और ये आपका ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये एक बटन लगा के दिखाती हूँ ये कैसे दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी पट्टी बिल्कुल ओके आ रही है, ठीक है। जब मैं इसको पूरा लगाऊंगी तो ये बिल्कुल एकदम फिट दिखेगा, देख सकते हैं आप मेरे बटन को, ठीक है। इस तरीके से मेरी एकदम इक्वल होल मेरे नज़र आ रहे हैं। जब बटन ऊपर की तरफ आएंगे तो ये बिल्कुल इक्वल होंगे। ओके, इसी तरीके से बटन लगाइए और अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।